हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमें 7.9 को डिवाइड करके दिखाना है 1000 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 7.9 को डिवाइड करना है 1000 से, तो 7.9 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और ये 1000 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, हम ये तीनों जीरो डिनोमिनेटर से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 7 और 9 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये 3 जीरो हटाएंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पर है ये यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 7.9 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया है। अब ये डेसिमल यहाँ पर था और हमें यहाँ से इस डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये डेसिमल 7 को क्रॉस करेगा। अब 7 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी और हमें डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो जब ये 7 को क्रॉस करेगा उसके बाद हम यहाँ पर 2 जीरो और लगाएंगे और डेसिमल को यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ से डेसिमल 1 2 3 तीन डिजिट को क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट हो गया है। इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं। डेसिमल के लेफ्ट वाली 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो जब हमने 7.9 को डिवाइड किया 1000 से तो हमें आंसर मिला है 0.0079। अब हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमें 26.3 को डिवाइड करना है 1000 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 26.3 न्यूमरेटर में आएगा और ये 1000 यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, हम ये तीनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 6 और 3 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 263 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया है और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 6 और 3 के बीच में, और हमें इसको शिफ्ट करना है 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो पहले ये 6 को क्रॉस करेगा फिर 2 को, लेकिन यहाँ देखिए कि 2 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी और हमें इस डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो 2 के लेफ्ट में यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे और उसके लेफ्ट में ये डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए, अब ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 तीन डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिखकर दिखा सकते हैं। तो जब हमने 26.3 को डिवाइड किया 1000 से तो हमें आंसर मिला है 0.0263। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमें 38.53 को डिवाइड करके दिखाना है 1000 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 38.53 यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा स्टूडेंट्स, और ये 1000 यहाँ डिनोमिनेटर में। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, हम इन तीनों जीरो को यहाँ डिनोमिनेटर से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 8 और 5 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3853 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 8 और 5 के बीच में, और इसे हमने शिफ्ट करना है 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो पहले ये 8 को क्रॉस करेगा फिर 3 को, लेकिन 3 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी और हमें इस डेसिमल को यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराना है। तो इस 3 के लेफ्ट में हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और इस डेसिमल को इसके लेफ्ट में यहाँ पर लगा देंगे, और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं। तो जो डेसिमल पहले यहाँ पर था वो अब 1 2 3 तीन डिजिट क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब हमने 38.53 को डिवाइड किया 1000 से तो हमें आंसर मिला है 0.03853। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमें 128.9 को डिवाइड करके दिखाना है 1000 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 128.9 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 1000 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 8 और 9 के बीच में, तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 2 8 9 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, 1 2 8 9, ये डेसिमल पहले यहाँ पर था और अब हमें इसको यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ से ये 1 डिजिट क्रॉस करेगा, फिर दूसरे डिजिट और फिर तीसरे डिजिट, और इन 3 डिजिट्स को क्रॉस करके डेसिमल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं। तो जब हमने 128.9 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमें आंसर मिला है 0.1289। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, यानी हमें 0.5 को डिवाइड करके दिखाना है 1000 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 0.5 तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और ये 1000 यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, हम ये 3ों 0 यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है 0 और 5 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 0.5 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 0 और 5 के बीच में, और हमें इस डेसिमल को यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो देखिए पहले ये इस 0 को क्रॉस करेगा, अब इस 0 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं है और हमें इस डेसिमल को यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ से पहले ये इस 0 को शिफ्ट क्रॉस करेगा, उसके बाद इस 0 के लेफ्ट में हमने ये 2 0 और लगा दिए हैं। अब ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट्स को क्रॉस करके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिखकर दिखा सकते हैं। तो जब हमने 0.5 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमें आंसर मिल गया है 0.0005। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।